नमस्कार, न्यूज क्लिप में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकुंद और अभी मौजूद है भलसवा लैंडफिल साइट, जो दिल्ली में जो तीन बड़े कूड़े के पहाड़ हैं उसमें से एक है। इस वक्त हम मौजूद हैं ओखला लैंडफिल साइट पर, जो दक्षिणी दिल्ली के नीले आसमान में काले धब्बे के तौर पर देखा जा सकता है। अभी जैसा कि आप सब जान रहे हैं, नगर निगम चुनाव है और इसीलिए ये मुद्दा भी चर्चा का विषय बना हुआ है। नगर निगम में मुख्य विपक्षी पार्टी आम आदमी पार्टी इसको बड़ा मुद्दा बनाने का प्रयास कर रही है। वो पूरे चुनाव को कूड़े के पहाड़ पर लड़ने की कोशिश कर रही है। वहीं बीजेपी भी इस पे अपनी कामयाबी बता रही है। वो कह रही है उसने इस पहाड़ की ऊंचाई को 12 से 15 मीटर के बीच में कम किया है। इसके साथ साथ वो ये भी दावा कर रही है कि आने वाले 2 सालों में वो इस पहाड़ को समतल कर देगी, दिल्ली में कूड़े का कोई पहाड़ नहीं होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही, पिछले साल 15 साल में रहने के बाद भी जब कूड़े के पहाड़ लगातार बढ़ते रहे तो अगले 2 साल में कैसे कम होंगे? और क्या ये इनकी हाइट या जो इनकी ऊंचाई कम हुई है, कि सच में कम हुई है? चुनाव में इस बार कूड़ा एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इसलिए न्यूज क्लिक की टीम ने दौरा किया और साथ ही जानने की कोशिश की यहाँ आसपास रहने वाले लोगों से उनकी समस्याओं के बारे में। इस खत्ते के लिए जो है कह कह के हम हार गए, कंप्लेंट भी की हमने, बहुत तेरा कुछ किया, कहीं एक खत्ता घर बना दिया जाए, लेकिन अब तक जो है कोई सी सरकार ने नहीं सुनी। हम भलसुआ जय जय कॉलोनी वालों को कूड़ा मकोड़ा समझते हैं, कीड़ा मकोड़ा समझते हैं। रात को नींद नहीं आती है, दिन में खाना नहीं खाया जाता है, जिस टाइम हवा चलती है। ठीक है जी, हम कोई पार्टी की तरफ से बात नहीं कर रहे हैं, कोई किसी की पक्ष में बात नहीं कर रहे हैं। ये आप गंद देख रहे हैं, इसके लिए अगर यहाँ किसी नेता के लिए लाके खड़ा कर दिया जाए या किसी विधायक के लिए लाके खड़ा कर दिया जाए और उससे कहा जाए कि यहाँ पर खाना बैठ के खाइए, तो वो खा लेंगे यहाँ खाना? नहीं खा पाएंगे। हम लोग जी रहे हैं कैसे जी रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कूड़े का पहाड़ मेरे छत से भी दिखता है, इतना बड़ा पहाड़ है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इस कूड़े के पहाड़ से जब कभी भी बारिश हो या तेज़ हवा चल दे तो इतना स्मेल आता है कि आप ऊपर खड़े नहीं हो सकते। और सब दूसरी प्रॉब्लम यह है कि अगर आप नीचे भी जाएंगे, अपने विंडो खोलेंगे, तो वहाँ से इतनी तेज़ स्मेल आती है, तो आप ना अंदर रह सकते हैं ना ऊपर रह सकते हैं। और फिर दूसरी चीज़ ये है कि अगर बारिश होती है तो हवा के साथ जो स्मेल आती है वो इतनी गंदी होती है कि आपको कभी कभी गले का इन्फेक्शन भी हो जाता है। यहाँ का जो है समस्या कूड़े का तो एकदम ढेर लगा हुआ है और नाली जगह जगह पानी फंसा पड़ा हुआ है। पानी के वजह से यहाँ पे जो आदमी को जो है दिक्कत ये है, परेशानी, कि मलेरिया और डेंगू का भी शिकायत हो सकता नहीं है। हकीकत बीमार हर हफ्ते आदमी पड़ता है यहाँ पे। बात यह है कारण कि यहाँ के कारण का जो यहाँ का जो MCD में जो यहाँ के आदमी थे 15 साल से BJP थे, अभी 15 साल से जो BJP है यहाँ पर एक भी काम कोई BJP का बंदा यहाँ पे उलट के देखने नहीं आया। जो कॉलोनी को बच्चे लेके बैठते हैं, यहाँ बैठ नहीं सकते, इतना मच्छर बीमार, हर दूसरे दिन बच्चे बीमार हो जाते हैं हमारे। मेरा लड़का 1 महीने से बीमार है, मैं कितनी परेशान हूँ, कर्जा उठाया गली वालों से मैंने, कितना 10-12 हजार रुपया मैंने लगाया, भी अभी भी इनसे पूछो, मेरा लड़का बीमार है, अभी बीमार ही है। तो भैया ऐसे मेरे जैसा बच्चा किसी और का ना बीमार पड़े तो थोड़ा हाथ जोड़ के प्रार्थना, इसको थोड़ा हटवाइए, थोड़ा हमारे लोग की समस्या दूर करिए। पूरा इधर से लेके उधर तक, आप उधर भी देखिए, पूरा पीछे तक देखो, ये जो नालियां बनाई है सरकार ने, तो इसका पानी का निकास पहले करना चाहिए था, ना कि इसको क्या छोड़ देना चाहिए प्लॉटों में, ये प्लॉटों में छोड़ दिया गया। हाय, माय नेम इज अरुणा, आई रिसाइडेड नियर लाल कुआं, एंड जैसे कि यहाँ से मेरे घर के छत पे अगर मैं जाऊँ तो वहीं से मेरे को कूड़े का ढेर दिखाई देता है एंड इट स्मेल्स अ लॉट। मेरा ऑफिस जसोला में था तो व्हेन आई यूज टू कम एट नाइट्स, इतना स्मेल होता है एंड दैट रूट इज़ वेरी लॉन्ग, तो अगर वहाँ पे अगर ट्रैफिक लग जाए या कुछ हो जाए तो बिल्कुल स्मेल की वजह से सांस लेना मुश्किल हो जाता है एंड वहाँ से आना उस रास्ते से तो बहुत ही ज़्यादा हेडेक का काम हो जाता है। देन इट्स नॉट ओनली कि डेली का है, इफ़ अगर बारिश हो जाए तो ये स्मेल जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है, हम अपने घर के अंदर भी आराम से नहीं रह सकते हैं। देखिए, ये विकलांग आदमी है, ये रास्ता इसका घर ये सामने है और ये रास्ते से निकलता है ये विकलांग आदमी, तो किस तरीके से ये रिक्शा निकाल के ले जाएगा? जरा ये रिक्शा कैसे ले जाए निकाल के? बहुत परेशानी से ले जाता है, बच्चों से धक्का लगवाता है तो लेके जाता है ये अपने घर के लिए। पूजा करने के लिए जाते हैं ना, सारी मूर्तियां डूबी पड़ी हैं, आप जाके देख सकते हैं, पूरा मंदिर डूबा पड़ा है। हम सब शिवरात्रि का गए, जल छोड़ के नहीं आए,
पूरा सार दबा पड़ा है खत्ते से, मूर्तियां नहीं दिख रही है, सारी डूबी, बराबर से शिव मंदिर ऐसे पड़ा है, उसके पीछे खत्ता उलट गया, सारी झुग्गियां दबी, जो भी थे वहां के लोग, अब ये सारी परेशानियां। लेकिन कोई भी सरकार आती कहती करा दूंगा, नहीं हो। यहाँ पे जैसे लग गई, जैसे आग लग गई, गर्मी अर्मी में भी थोड़ी बढ़ जाएगी ना, जैसे तो धूप ऊप आएगी, आग लग जाएगी ना, कम से कम 10 दिन 5 दिन तक तो वो आती रहेगी। और जो हमारा नाले वाला लाइन है ना, वहाँ से इतना गंदा पानी छोड़ते हैं ना, इतना गंदा कि आप वहाँ से पैदल चलोगे, पैदल नहीं चल पाओगे वहाँ से, आप इतनी बदबू है उसमें। मेरा तो मानना यह है कि चुनावों में हर पार्टी दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रही है, पर मेरा ये मानना है कि चाहे वो कांग्रेस हो या भाजपा हो या आप हो, किसी ने इस कूड़े के समस्या को ठीक से हैंडल नहीं किया है। जितने तौर तरीके अपनाए हैं अभी तक, मेरे ख्याल से सब में बहुत बड़ी गलतियां हैं, जिसके वजह से ये समस्या इस हद तक पहुंच गया है जो हम आज देख रहे हैं। ये जो फिलहाल लैंडफिल जो इसका मेन ट्रीटमेंट का जरिया माना जा रहा है, वो फंडामेंटली गलत है। गलत इसलिए है कि आप जितना कूड़ा है उसको आप लैंडफिल में अगर डालेंगे तो एक तो जितनी मात्रा है कूड़े की उसकी खपत होगी नहीं लैंडफिल में, दूसरी बात यह है कि ये लैंडफिल बिल्कुल गैर वैज्ञानिक तरीके से बने हुए, ये लैंडफिल नहीं है, ये बस कूड़े का एक पहाड़ बना दिया है। ठीक तरह से अगर आपने लैंडफिल का इस्तेमाल करना है, लैंडफिल एक आखिरी स्टेज होता है कूड़े के ट्रीटमेंट में, पहले आपको कूड़े को ठीक तरह से सेग्रीगेट करना चाहिए, जितने काम में आने वाले चीज़ें हैं, कागज़ हुआ, प्लास्टिक हुआ, लोहा शीशा हुआ, इनको अलग कर दें। उसके बाद जो खाद के सामान हैं, जो रसोई से निकलती हैं वो सामान हैं, उनको पहले आप ट्रीटमेंट देके उसमें से मीथेन इत्यादि गैस को निकाल लें, जो कि या तो ऊर्जा पैदा करने में इस्तेमाल हो या आसपास के ढाबे घरों में गैस की तरह सप्लाई हो। उसके बाद जो बचता है, रेत वेत घर की सफाई करने वाला प्लस इसको मीथेन निकालने के बाद जो कूड़े का बचता है, उसको फिर लैंडफिल में डाला जाता है। उसकी मात्रा फिर अभी जो लैंडफिल में जा रहा है बहुत ही कम होगा। उसको आप विस्तृत अलग अलग जगहों पे अगर आप करेंगे, विकेंद्रीकरण करके लैंडफिल को प्रॉपरली लाइन करने की ज़रूरत है, ताकि जो भी लैंडफिल में जाता है वो ज़मीन के अंदर और ग्राउंड वाटर के अंदर ना जाए, जो लोगों के ट्यूबवेल वगैरह में बाहर आए, तब लैंडफिल जो है वो जल्दी से ट्रीटमेंट करके ख़त्म हो सकता है। अभी हम क्या कर रहे हैं कि जितना है कूड़ा आधा सेग्रीगेटेड है, नहीं है, उसको लैंडफिल में डाल रहे हैं बिना किसी लाइनिंग के। वो नीचे ज़मीन पे भी जा रहा है, ग्राउंड वाटर को कंटामिनेट करेगा, आसपास के इलाकों में प्रदूषण फैलाएगा। और फिर एक नई चीज़ जो इंट्रोड्यूस की है वो है वेस्ट टू एनर्जी प्लांट। अब वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में थोड़ा सा ये कूड़े के सेग्रीगेशन लेके जो कागज़ वागज़ वगैरह है, इसको जो है जला के उसको ख़त्म करने की कोशिश है। और जलाने से थोड़ा बहुत जो ऊर्जा बचता है, जलाने में भी ऊर्जा लगता है, फिर आप ऊर्जा जितना बचेगा उसको आप थोड़ा सा एनर्जी उसमें निकाल रहे हो, पर इससे ये ठीक तरीका नहीं है जलाने का। और इससे जो आसपास के इलाके हैं उसमें जहरीली गैस फैलता है। ये अच्छी तरह इसका रिकॉर्डिंग भी है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पास इसके रिकॉर्ड हैं कि कितनी जहरीली गैस निकल रही है। एनजीटी ग्रीन ट्राइब्यूनल ने भी इसको नोट किया है, पर तब भी अभी 3 एनर्जी प्लांट लगे हैं और सुना ये जा रहा है कि और भी लगेंगे जो भी कल आएगा, क्योंकि उनको लगता है वेस्ट टू एनर्जी कर देंगे, थोड़ा बहुत कूड़ा कम हो जाएगा, तब लैंडफिल में जाने वाले कूड़ा जो है वो कम हो जाएगा। तो मेरा मानना है पूरे सिस्टम को ओवरहॉल करने की ज़रूरत है। दूसरे देशों में भी होता है ये कूड़े का सवाल,
तो वहाँ पे क्या करते हैं मीथेन को निकालने के लिए साइंटिफिक लैंडफिल के लिए, उसको देख के दिल्ली के लिए एक योजना बनाने की ज़रूरत है। जैसे कि आपने वीडियो की बातचीत में सुना, लोग कूड़े के पहाड़ से प्रभावित हैं और ये कूड़े का इकलौता पहाड़ नहीं है। दिल्ली में इस तरह के 3 पहाड़ हैं जो कि विधानसभा की 10 सीटों को, इसके साथ साथ नगर निगम की 40 वार्ड सीट जो है उनको प्रभावित करता है। इस पहाड़ से निकलने वाले जो प्रदूषण और जो बदबू है उससे पूरा इलाका परेशान तो है ही है। इसके साथ साथ इलाकों में मूलभूत सुविधाओं का भी घोर अभाव है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी है। इसी नाराजगी और दर्द को लेकर ये इस चुनाव में मतदान करने की तैयारी कर रहे हैं। देखते हैं चुनावी परिणाम क्या होता है और क्या चुनाव परिणामों पर इसका असर होगा। बाकी इस तरह के तमाम वीडियो और ग्राउंड रिपोर्ट देखने के लिए न्यूज़ क्लिक को लाइक और सब्सक्राइब करें। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।